मारुति सुजुकी जल्दी इंडियन मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन एल्टो को भी लेके आने वाली है। हाल ही में इस गाड़ी का टीवीसी शूट है वो किया गया है, उसकी कुछ लीक पिक्चर्स आई हैं। इसमें भी गाड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के फीचर है वो लॉन्च करने वाली है। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी आपकी जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर मारुति सुजुकी वो लॉन्च कर देगी। मारुति सुजुकी इस साल के स्टार्टिंग से ही काफी सारी गाड़ियां उन्होंने लॉन्च की है। हाल ही के अंदर ब्रेजा, उससे पहले ब्लेनो, अर्टिगा, एक्सएल 6 और सिलेरियो, ये जैसी गाड़ियां हैं। मतलब पूरे साल ही मारुति का जो टेंडर है वो भरा हुआ है नई नई गाड़ियों के लेके आते रहते हैं। तो अभी आने वाले टाइम में काफी और गाड़ियां वो आने वाली हैं। सीएनजी वेरिएंट्स भी मारुति है वो लेके आने वाली है। एंड आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन एल्टो के इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने के बाद में क्या ये गाड़ी रेनो क्विड और हुंडई सेंट्रो की सेल्स को ब्रेक कर पाएगी? एंड आपको इन तीनों गाड़ियों के अंदर से कौन सी कंपनी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है? अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक मारुति सुजुकी की ओर से किसी प्रकार की प्राइस है वो रिवील नहीं की गई है। जब भी फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट जनरेशन एल्टो के रिलेटेड या फिर किसी भी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।